हेलो फ्रेंड्स, लेट्स प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बेस फ्रॉम एमटीजी फिंगरप्रिंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN होता है और एक ICZN होता है। जो ICZN है वो स्टैंड करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देन सेकेंड क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लीनियस। जो कैरोलस लीनियस थे वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज फंगाई, फिलामेंटस अल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। जो फंगाई और वो जो ब्रायोफाइटा, अल्गी और ब्रायोफाइटा, ये फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। फंगाई, फिलामेंटस अल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर फोर, इन प्लांट ग्रोथ अकर्स डैश वेर एज इन एनिमल इट अकर्स डैश। प्लांट्स में ग्रोथ कब तक होता है और एनिमल्स में कब तक? प्लांट में क्या होता है, जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली होते रहता है, पर एनिमल में ये कंटिन्यूसली नहीं होता है, ये एक एज तक होता है। सो द करेक्ट आंसर इज इन प्लांट ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूसली वेर एज इन एनिमल्स इट अकर्स ओनली अप टू अ सर्टन एज। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द कॉलम। सो प्लेनेरिया, ए ऑप्शन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, थ्रू रीजनरेशन होता है, तो ए का फोर्थ होगा। ए का फोर सिर्फ बी ऑप्शन में, तो अपना करेक्ट आंसर तो बी है, पर बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। फंगाई, फंगाई में क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, जैसे कि एस्कोमाइसिटिस में एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटिस में बेसिडियोस्पोर्स, ऐसे। ईस्ट में क्या होता है, बर्डिंग होता है। अमीबा में क्या पाया जाता है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। नाउ लेट्स डू सम फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर वन, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली डैश इवेंट। मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल और प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे इवेंट होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सेकेंड, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा डैश इज सिनोनिमियस विद ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, ये सब में ऐसी कौन सी चीज़ें जो ग्रोथ के सिमिलर है, सिनोनिमस है? सो द करेक्ट आंसर इज रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ सिनोनिमस होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन डैश आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसे, इन वीवो या इन विट्रो, लिविंग थिंग्स नहीं होते पर लिविंग रिएक्शंस होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज इन विट्रो, जो आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, डैश अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर।
सीजनल ब्रीडर में रिप्रोडक्शन कौन अफेक्ट करता है? करेक्ट आंसर इज फोटो पीरियड. जो फोटो पीरियड रहता है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 5. डैश इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. एक ही ऑर्गेनिज्म जीव जो खुद के बारे में अवेयर है. करेक्ट आंसर इज ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग दैट इज मैन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. सो दीज आर फ्यू फिल इन द ब्लैंक्स.